हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक सफ़र में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और फैंटास्टिक सफ़र दिल्ली से बनारस का, और ये सफ़र हम तय कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में। इस वक्त हमें ट्रेन के अंदर, और अच्छी बात हमारे लिए ये हुई है कि हमने दो टिकट बुक की थी और तीसरी टिकट हमें खाली मिल गई है। तीसरी सीट जो हमें खाली मिल गई है, क्योंकि हो सकता है वो लेट हो गए हो इस ट्रेन में आने में, या शायद टिकट बुक ना हुई हो, तो एक सीट हमारे लिए खाली है। तो इस वक्त हम देखो दो लोग हैं और तीन सीट है, तो इसमें टुकू जी हमारे लेट के जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये लीजिए, इनका तो काम हो गया है। तो चलिए अब आपको ट्रेन का भी टूर कराते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज ट्रेन में है वो सब आपको बताते हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, शुरू करते हैं। तो गाइज, ये हमारी ट्रेन और हमारा जो सीट नंबर है वो है 457, हमें मिल गई है खाली सीट। और सीट का भी टूर आपको इस तरह से देता हूँ, इसमें काफ़ी कंफर्टेबल है। सामने पैर रखने के लिए भी दिया गया है, आप आराम से पैर रख सकते हैं। दो पानी की वाटर बॉटल मिली है हमें और स्पेस अच्छा है यहाँ का। बाकी लैपटॉप वगैरह पे भी आप काम कर सकते हैं। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि चार्जिंग की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। नीचे हर सीट के नीचे दो सॉकेट है जहाँ पर आप अपना फ़ोन लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। नीचे वाटर बॉटल के लिए भी स्पेस ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि आप लंबे सफ़र में आप पैर सीधे करके आराम से लेट सकते हैं, और बीच में इनको आप जो सीट स्टैंड है इनको आप उठा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो अगर आप दो लोग तीन लोग हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। बाकी सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है, और पीछे ही हमारे जो है यहाँ पेंट्री है, और पीछे ही हमारे पेंट्री एरिया है, और इसमें भी आपको मैं टूर करा देता हूँ। देखिए, अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल है और 255 किलोमीटर अभी हमारा जो डिस्टेंस है गया है। 129 की स्पीड से चल रही है, और ये है यहाँ का पेंट्री एरिया। अभी हमारा शायद लंच तैयार हो रहा है यहाँ पर, तो तब तक हम आगे चलते हैं, आगे आपको ट्रेन दिखाते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अगला कोच है, और साथ में ये टॉयलेट है। तो चलिए टॉयलेट भी आपको दिखा देते हैं। टॉयलेट काफ़ी मतलब स्पेस काफ़ी अच्छा है और साफ भी है। वॉशरूम आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास जैसा ही मिलेगा। इसमें आपको हैंड वॉश भी मिल जाता है और ब्लोर भी है, और सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। भैया अभी बिजी अपने काम में, तो पुश कर सकते हैं, गेट आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये हमारी सीट है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और एक चीज़ का दुख है यार, हमारे जो सीट हमें मिली है ना वो बिल्कुल विंडो सीट नहीं है। हमने प्रेफर तो विंडो सीट की थी, तो हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है बाहर से शूट करने में। तो गाइस, अभी हमें मिला है ये मुरमुरा और पॉपकॉर्न्स, एक पैकेट वाले पॉपकॉर्न्स ही है, ज़्यादा सही होंगे मेरे ख्याल से। टोमेटो केचप, जिंजर चाय, चाय उसमें डालने के लिए चाय बन जाएगी फिर इसमें इंस्टेंट चाय, और ये है कचौड़ी, और ये खाने के लिए उसके साथ, और टिशू पेपर। तो अभी के लिए हमें ये मिला है सिर्फ, अब बाद में देखते हैं अभी हमें क्या मिलेगा। तो गाइस, अभी टेस्ट करके देखते हैं कचौड़ी कैसी है। वैसे तो इसका टोमेटो सॉस भी मिल रही है, पर मैं ऐसे ही खा रहा हूँ। सही है, आप इसको टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हो, सही, पर मैं रुखी खाता हूँ। तो गाइस, अगर आप वंदे भारत ट्रेन में आ रहे हैं तो जब स्नैक्स दिए जाएंगे, अगर उसमें पॉपकॉर्न हुआ ना तो बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि मेरा मन ख़राब हो गया खा के। इसमें ये बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं है, पूरे मीठे देते हैं ये। अब पॉपकॉर्न पे नाम के नाम पे चॉकलेट दे दिए, मन नहीं कर रहा मेरा खाने का भी, जी ख़राब। अब जो हमारा दूसरा आइटम है वो है ये मुरमुरे, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे है। स
ऐसा ही है, इसको ये एक टाइप की नमकीन है, आप कह सकते हो उसको 10 out of 9। तो गाइस अब चाय हमारी आ चुकी है और अब इन्होंने गर्म पानी दे दिया है, तो अब रेडीमेड है, तो अब चाय बनाएंगे। और हमने जो है जो सेव थी वो हमने चेंज करा दी है, जो पॉपकॉर्न थे वो उतने अच्छे थे नहीं तो हमें लगे, तो हमने चेंज करा दिया, अब सेव ले लिया उसके लिए। तो चलो अब चाय बनाते हैं। तो जब आपको स्नैक्स मिल जाएंगे तब आपको एक ग्लास में गर्म पानी दिया जाएगा, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हो जिंजर चाय, फिर उसके बाद इसको अंदर मिला के इससे मिला सकते हो, तभी आपके पूरी चाय बन जाएगी रेडीमेड। इधर भी हम बना रहे हैं अंदर ही, बहुत टाइट है। तो गाइस अब हम चाय बना के देखते देखते हैं कैसी होती है, कैसी बनती है। आपको पूरा पाउडर डालना पड़ेगा इसमें, तभी सही बनेगी। तो चलो गाइस अब हम इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है ये। सो है, ज्यादा ठीक नहीं है दादा। इधर भी ट्रेन है और हमारे इस तरफ भी ट्रेन है, दोनों तरफ ट्रेन चल रही है। हमारी ट्रेन बीच में, इधर भी ट्रेन है और इस तरफ भी ट्रेन है। सो गाइस अभी हमें डिनर मिला है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला आइटम तो हमें दिख रहा है साफ साफ दही है, दूसरा है रोटी, तीसरा जो आइटम है वो है पनीर डिश, और दूसरा आइटम हमारा है ड्राई वेज। इसको खोल के देखते हैं। ये देखो जो हमारा तीसरा आइटम है वो है दाल फ्राई, और ये खुल क्यों नहीं रहा, बस ये दाल फ्राई है। और फोर्थ आइटम, हमारे लास्ट आइटम है राइस। तो ये हमें डिनर में मिला है अभी। तो कम ऑन गाइस, चलो डिनर करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। ओ वाओ, परांठा है तो, पहले मेरे को लग रहा था कि रोटी है। पहले दाल को देखते हैं, सही है। उसके बाद एक छोटा सा सैनिटाइजर भी आपको मिलेगा, हैंड सैनिटाइजर और एक वाइप। खाना जो था बहुत बढ़िया था, खिचड़ी दाल चावल। ये डाउट था कि खाना पता नहीं होगा कैसा, लेकिन खाना अच्छा था। ये वाइप भी है, मतलब हाइजीन बहुत अच्छा है यहाँ का ना, वॉशरूम से लेके खाने तक सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इतना शायद आपको थर्ड एसी में भी नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ मिलता है। तो खाना हमारा हो गया है। मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपकी डाइट ज़्यादा है तो अपने साथ खाना कुछ लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर खाना
एक बार प्लेट मिलेगी, उसके बाद अगर इनके पास एक्स्ट्रा बचा होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल काउंटिंग के साथ ही होता है। तो हमारे लिए तो एनफ था, वैसे तो एवरेज लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी डाइट ज़्यादा है तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर एक्स्ट्रा लेकर आइए, वरना आप आधे पेट जाएंगे, खाली पेट जाना पड़ेगा आपको आगे। और बाकी खाना टेस्टी था, हाइजीन भी काफ़ी अच्छा था, जिसमें मैं 10 में से इसको 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि एक नंबर कटेगा सिर्फ गर्म नहीं था खाना, इसलिए बाकी तो सब बढ़िया था। तो गाइस, खाना खाने के बाद आपको मिलेगी आइसक्रीम वनीला वाली मदर डेरी की, तो इसको भी अभी हम खत्म कर देते हैं। पेन चल रहा था इसलिए आइसक्रीम खाना इतना सही नहीं है, गला खराब हो सकता है, पर मैं खाता हूँ। खाने के बाद मीठा होना चाहिए, वैसे स्वीट भी दे सकते थे पर आइसक्रीम से तो कोई बात नहीं, ठीक है इतना तो। तो चलो गाइस, अब बाहर चलते हैं, इस टाइम 11 बज चुके हैं, पहुंचा दिया हमें डायरेक्ट गाड़ी में। गाइस, वाराणसी स्टेशन पर हम उतर चुके हैं और टाइम से उतार दिया है ट्रेन ने हमें, 11:05 पर हम यहाँ उतर चुके थे। तो आप देखिए ट्रेन जा रही है और अब हम भी चलते हैं होटल की तरफ, चलिए।